जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। आपका पहला सवाल है, दुनिया के किस देश में सड़कों पर गाय का यातायात निषिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपका अगला सवाल है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा जीव आंखें बंद करके भी देख सकता है? आपके ऑप्शन है ए छिपकली, बी सांप, सी मछली, डी मगरमच्छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मछली। आपका अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका पांचवा सवाल है, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 290 केल्विन, बी 300 केल्विन, सी 310 केल्विन, डी 350 केल्विन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 310 केल्विन। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंगबर्ड, सी बाज, डी गिद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। आपका सातवां सवाल है, मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहां स्थापित किए? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी सूरत में, डी दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत में। आपका अगला सवाल है, फिल्म ब्लैक का मुख्य किरदार किस वर्ष रिलीज हुआ था और इसमें किसने किरदार निभाया था? आपके ऑप्शन है ए 2003 ऋतिक रोशन, बी 2005 शाहरुख खान, सी 2007 आमिर खान, डी 2009 अभिषेक बच्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005 शाहरुख खान। आपका अगला सवाल है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। आपका दसवां सवाल है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? आपके ऑप्शन है ए क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, बी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, सी क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण, डी क्षैतिज से 30 डिग्री का। कोण
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी यांगत्ज़ी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नील नदी। आपका 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? आपके ऑप्शन है ए हमीदा बानो बेगम, बी महारानी लक्ष्मीबाई, सी मीराबाई, डी राजिया सुल्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजिया सुल्तान। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी उर्जियना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया। आपका अगला सवाल है, जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है ए 0.925, बी 0.940, सी 0.948, डी 0.952। आपका 16वां सवाल है, 2023 में कौन सा व्यक्ति विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने? आपके ऑप्शन है ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी वॉरेन बफेट, डी बर्नार्ड आर्नोल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एलन मस्क। आपका अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? आपके ऑप्शन है ए प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, बी अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है, डी वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह पर जलवायु में पानी के अवशेष पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए वीनस, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीनस। आपका अगला सवाल है, कौन सा सांप नाइल घास का स्वाद चखकर उसे पसंद करता है और इसकी भोजन प्रवृत्तियों में शामिल है? आपके ऑप्शन है ए क्रोकोडाइल सांप, बी ब्लैक मांबा, सी ग्रीन स्नेक, डी सैंडबो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रीन स्नेक। आप और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।